यह एक रहस्यमय डरावनी कहानी है जो सुनसान रास्ते की चारों ओर घूमती है। ये कहानी उस छोटे गांव की है जो एक अजीबोगरीब और डरावने रास्ते से होकर गुजरता था। कई साल पहले एक गांव के निकट एक सुंदर रास्ता था जिसे लोग सुनसान रास्ते के नाम से जानते थे। इस रास्ते पर चलना बहुत ही खतरनाक साबित होता था, खासकर रात को। लोगों ने सुना था कि रात को यहां पर अजीबोगरीब और भयंकर चीख पुकार सुनाई देती है और कई बार लोग गायब भी हो जाते थे। इस गांव में रहने वाला एक युवक था नाम विक्रम। विक्रम एक बहादुर और होशियार लड़का था जो सुनसान रास्ते के बारे में किसी भी डर से डरता नहीं था। उसकी साहसिकता के कारण लोग उसे गांव का बहादुर युवा मानते थे। एक रात विक्रम ने निर्णय किया कि वह सुनसान रास्ते से होकर जाएगा। उसने सोचा कि वह रास्ते पर अकेले में होकर डर और भय को मिटा देगा। जब विक्रम रात के समय सुनसान रास्ते पर पहुंचा, तो उसने कुछ अजीब और डरावने आवाजें सुनी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसका दिल धड़कने लगा। अचानक उसने एक भयंकर आवाज सुनी, इस रास्ते से वापस जाओ अन्यथा तुम्हारा बुरा होगा। विक्रम को डर लगने लगा, लेकिन वह अपने आप को हौसला देते हुए आगे बढ़ा। उसने सोचा कि यह बस एक डरावना सपना है और कुछ नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने एक अजीब और भयंकर चीख पुकार सुनी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। तभी एक विचित्र और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। विक्रम के दिल में डर का आगाज हो गया। उसने घबराकर आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। फिर अचानक उसने अपने पास एक भयंकर भूत देखा। भूत उसके सामने था, उसकी आंखों में डरावनी आंखें थी और उसका चेहरा विक्रम के डर से भरा हुआ था। विक्रम का दिल धड़कने लगा और उसने धीरे धीरे दौड़ने लगा, लेकिन भूत उसके पीछे पीछे आ रहा था। विक्रम ने भागते हुए देखा कि सुनसान रास्ते के बगीचे में एक पुराना मंदिर है। वह तुरंत मंदिर की ओर भाग गया। जब वह मंदिर के अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि भूत उसके पीछे आ रहा था। उसने अपने आसपास देखा और एक पुरानी पुस्तक देखी। वह पुस्तक उसने उठाई और उसका आवाज बाहर आया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। विक्रम ने पुस्तक खोली और उसके अंदर एक पुरानी कहानी पढ़ी। वह कहानी उसे डरा देने वाली थी, लेकिन उसने धीरे धीरे पुस्तक पढ़ना शुरू किया। वह कहानी थी एक भूतिया महल की जो किसी भी व्यक्ति को नहीं देखने देता था। वह किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर ले लेता था और उसको बदल देता था। विक्रम को पता चला कि वह पुस्तक भूत का मंत्र था। वह पुस्तक उसे उस भूत से बचाने के लिए मदद कर सकती थी। विक्रम ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ा और उसके आसपास का भूत धीरे धीरे गायब होता गया। विक्रम का दिल धड़कने बंद हो गया और वह धन्यवाद करते हुए मंदिर से बाहर निकल आया। विक्रम ने समझा कि बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं और वह अपने दिल के साथ साथ उस भयानक सपने को भूल गया। ये कहानी सुनसान रास्ते के डरावने और रहस्यमय गुणों को उजागर करती है जो उस जगह के आसपास के लोगों को डरा देता है। इसे एक सच्ची और डरावनी कहानी के रूप में याद किया जाता है जो लोगों को अपनी जिंदगी के लिए करने की